केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। मंगलवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जहां 25 प्रस्तावों में चर्चा हुई, लेकिन मात्र 23 प्रस्ताव पास भी कर दिए गए। जानिए हमारे साथ क्या है पूरा मामला। इसी के साथ ही बैठक में विधानमंडल सत्र के समापन का प्रस्ताव भी पास किया गया। आइए जानते हैं कुछ अहम प्रस्तावों के बारे में, जिन्हें आज कैबिनेट ने पास किया है। योगी कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव पास किया गया। इस योजना से 10,00,000 छात्रों को लाभ होने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही कैबिनेट द्वारा अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। तो वहीं स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण का प्रस्ताव भी पास हुआ। इस योजना के अंतर्गत 25,00,000 मोबाइल फोन बांटे जाएंगे। गर्भवती महिलाओं, बच्चों, कुपोषितों को बेहतर आहार प्रदान करने हेतु PDS इपास के प्रयोग का प्रस्ताव भी पास किया गया। कैबिनेट की बैठक में यूपी जल निगम नगरीय के जूनियर इंजीनियर सिविल के वेतन 9,300 से 34,800 ग्रेड पे था, वहीं तो 4,200 से और जूनियर इंजीनियर का ग्रेड पे 9,300 से 34,800 रुपये के आधार पर अधीनस्थ चयन आयोग की ओर से सरकारी भर्ती किए जाने का प्रस्ताव भी पास हो गया। इसी के साथ ही राज्य के 6 जिलों में कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के 6 डेयरी प्लांट को पट्टे पर देने का भी प्रस्ताव पास हुआ है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।